कोरोना से निमटने के लिए सिंध में जुजवी लॉकडाउन का पहला रोज, शहरियों ने मास्क और डबल सवारी की पाबंदी हवा में उड़ा दी। लाड़काना में मार्केट्स ओपन, खिलाफ वर्जी पर 20 दुकानदार गिरफ्तार। सूबे में आज से इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद, इम्तिहानात मुल्तवी। मेडिकल और किराना स्टोर शाम 6 बजे तक खुले रखने की इजाजत, रेस्टोरेंट्स पर सिर्फ ऑनलाइन सर्विस की सहूलत। दो अगस्त को कैम्ब्रिज स्कूल सिस्टम का आखिरी पर्चा मामूल के मुताबिक होगा। लॉकडाउन के दौरान बैनुलसुबाई ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल रहेगी। महकमा दाखिला सिंध ने वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कोरोना की संगीन सूरत हाल में भी कराची वालों का गैर संजीदा रवैया, मास्क का इस्तेमाल, ना ही समाजी फासले का ख्याल, हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज, SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर, पाबंदियों के बावजूद भी गैर जिम्मेदारी का भरपूर मुजाहरा। जिले बस्ती के लिए अलग है, सबके लिए एक होना चाहिए कानून। हम तो अमल कर रहे हैं, हम अभी आपके कहने से मास्क खरीदेंगे, देखें ये रहा मास्क, लेकिन ये क्या सबके साथ एक कानून करी है? पांच उंगली एक जैसे कर रही है। बंस रोड खुला हुआ है, हुसैनाबाद खुला हुआ है, पापुज नाजमाबाद खुला हुआ है, लेकिन ये बन हो रही है सुपर मार्केट खाली। मास्क यूँ नहीं पहना हुआ जी, बस गाड़ी चल रही जैसे चला रहे, उम्र का तकाजा है। मास्क अभी पानी पीने के लिए उतारा था, खाना वाना खाया, इसने अपने मास्क उतारा था वो फेंक दिया, ये न्यू मास्क हमने दोबारा लगाया है। मास्क तो रखा हुआ है सर, हमें मजा आ गया। हाँ मास्क लगा हुआ था, रैली में गिर गया था। हमें मास्क लगा ले, बेटर लगा। विफाक ने सिंध में लॉकडाउन की मुखालिफत कर दी। कराची में सनतें फौरी खोली जाएं। सूबाई हुकूमत के फैसलों से इंडस्ट्री को नुकसान होगा। सिंध सरकार NCOC के फैसलों से बाहर नहीं जा सकती। भारत की गैर जिम्मेदारी की वजह से दुनिया को डेल्टा वेरियंट का सामना है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। अगर ये लॉकडाउन करेंगे तो अपने लिए खुद नुकसान करेंगे, अगर इस तरह का लॉकडाउन करेंगे। सारी दुनिया ने इमरान खान के स्मार्ट लॉकडाउन को अप्रिशिएट किया है और इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर तो आप इमरान खान के लॉकडाउन को कॉपी करें। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह सिंध में भी PTI हुकूमत बनाएगी। मैं तो बहुत पहले कह चुका था कि नून से शीन निकलेगी। मैंने 25 सीटें कहा था, PTI 26 ले गई है, और मैंने 10 कहा था, पीपल्स पार्टी 11 ले गई है। 5-6 मैंने जो नून के बारे में कहा था, और ये वज़ीर आज़म को पता है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कौन आ रहा है और कैबिनेट कौन सी बन रही है। सिंध में लॉकडाउन करके ये अपना नुकसान खुद करेंगे। तहरीक इंसाफ मुस्तकबिल में सिंध में भी हुकूमत बनाएगी। पहले ही कह दिया था नून से शीन निकलेगी। आज़ाद कश्मीर में तवक्कुआत के मुताबिक नशस्तें मिली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फैसला इमरान खान करेंगे। शेख रशीद। पीपल्स पार्टी हुकूमत मुल्की मईशत के खिलाफ साजिश कर रही है। सिंध में भी पंजाब की तर्ज का स्मार्ट लॉकडाउन लगना चाहिए था। हलीम आदिल शेख की तनकीद। सूबे में सियासी लॉकडाउन लगाया जा रहा है, पाबंदियों से आवाम को मुश्किलात का सामना है। खुर्रम शेर जमान। सिंध हुकूमत ने SOPs पर अमल नहीं कराया। गरीब आबादियों में कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम नहीं चलाई गई। वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर रश से वायरस मजीद फैलेगा। लॉकडाउन के नाम पर तमाशा खत्म किया जाए। फैसल सब्जवारी की गरज परस। कोरोना फिर मोज़ोर, मुस्बत केसेस की शरह 8.46% पर आ गई। मोहलिक वायरस मजीद 65 अफराद की जान ले गया। अब तक 23,360 अमवात, 24 घंटे में 4,950 नए मरीज, 10,29,811 शहरी मुतासर। लाहौर में कोरोना के बढ़ते केसेस पर हुकाम एक्टिव। 13 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तजवीज़। EME सोसाइटी, एल ब्लॉक, जौहर टाउन, शामी रोड, अंगूरी बाग, बेगमपुरा और दीगर इलाके शामिल। कश्मीर प्रीमियर लीग के खिलाफ भारतीय साजिशें, हर्षल गिब्स फट पड़े। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का खेल में सियासी एजेंडा लाना गैर जरूरी। KPL में शिरकत से रोकने की कोशिश की गई। भारत में दाखिले पर पाबंदी की भी धमकी दी गई। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर। मोदी का क्रिकेट को मजमूम सियासत की भेंट चढ़ाना पहला मौका नहीं।
हर्षल गिब्स पर कश्मीर प्रीमियर लीग में हिस्सा ना लेने का दबाव, पुरानी रविश का तसलसल, कश्मीर के जद्दोजहद को ऐसे इकदाम से नुकसान नहीं फायदा ही होगा, फवाद चौधरी का रद्द अमल। जुलाई में रिकॉर्ड रेवेन्यू इकट्ठा करने पर एफपीआर हुकाम की तारीफ, रवा माह 410 अरब रुपए की रिकॉर्ड वसूलियां, मतलूबा हदफ से तकरीबन 22% ज्यादा, ये मईशत की बहाली के लिए हुकूमती पॉलिसियों की अक्कासी है, वज़ीर आज़म का ट्वीट। शहबाज शरीफ का महंगी एलएनजी खरीदने की तहकीकात का मुतालबा, नून लीग ने जो एलएनजी 8 डॉलर में खरीदी पीटीआई 15 डॉलर में खरीद रही है, साबित हो गया हुकूमत कौम से मुसलसल गलत बयानी करती रही ऑपोजिशन लीडर। जो अपोजिशन के खिलाफ झूठे मुकदमात का इन्होंने सिलसिला शुरू किया था वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने अंजाम को पहुंच रहा है। कोई आटा चोर, कोई चीनी चोर, कोई अद्वियात चोर, किसी को जो है वो आज तक नैब ने हाथ नहीं लगाया। मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक वफादार और कमिटेड कारकुन है। इस किस्म की अफवाहें जो हैं इनमें कोई दमखम नहीं है, ये गलत है और बेबुनियाद। जाली वोटिंग के जरिए सियालकोट इलेक्शन जीतने का इल्ज़ाम, शहबाज शरीफ की पार्टी क़यादत छोड़ने की खबरें गलत और बेबुनियाद करार, नैब ने आटा चीनी और अद्वियात चोरों को हाथ तक नहीं लगाया, ऑपोजिशन को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, राणा सनावला। अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हमें रिफ्लेक्ट होता है। ईद के दूसरे दिन मैं कराची गया और वहाँ पे जाके खुद मैंने मौके पे जो चीज़ें देखी तो दिल बड़ा दुखता था। तो फिर जैसे आदमी लाहौर लैंड करता है तो ऐसे पता लगता है कि आप कहीं और आ गए हैं, तो इस बात की बड़ी खुशी होती है कि इस सूबे में क्या है, दूसरे सूबे में क्या हो रहा है। तो इसी तरह मेरी ख्वाहिश है कि हम हर फील्ड के अंदर इसी तरह से परफॉर्म करें और इसी तरह कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके, तो मेरी यही कोशिश होगी इंशाल्लाह कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसी तरह आप लोग परफॉर्म करें और इसी तरह हमें करके दिखाएं। ईद पर कराची में सफाई की अब तक सूरत हाल तकलीफ थे, दीगर शहरों के मुकाबले में साफ सुथरा लाहौर देखकर खुशी होती है। ईद उल अज़हा के बाद अफसरों और मुलाजमीन ने बेहतरीन काम किया, इंतजामी उमूर की कारकर्दगी बेहतर बनाना तरजीह है। उस्मान गुस्तार। मौवने खसूसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मवाद शेयर करने का केस, लाहौर की मकामी अदालत ने एमपीए नज़ीर चौहान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एफआईए हुकाम की नज़ीर चौहान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। गरीब आवाम पर एक और बोझ, पेट्रोल 1.71 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान, डीजल की कीमत में 2.27 रुपये लीटर कमी की तजवीज़, वजारत खजाना वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान करेगी। कराची के इलाके कुरंगी में ज्यादती के बाद 6 साल बच्ची का कत्ल, मुलजिम जाकिर और फंडोला ने एतराफ जुर्म कर लिया। बच्ची ने रिक्शे से छलांग लगा दी जिससे गर्दन टूट गई, माहम को कचरे पर फेंका और घर आ गया, सफाक मुलजिम का बयान। लाहौर फैसलाबाद समेत कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश, बिजली की आंख मचोली, मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में मंगल तक मजीद बादल बरसने की पेशगोई, नदी नालों में तोगयानी, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग, शाराए कराकुरम कई मकामात पर ब्लॉक, फेरी मेडोज रोड ब्लॉक होने से रायकोट नांगा पर्बत आमदोरफ्त बंद, गोनर फार्म से तत्तापानी तक रोड क्लियर, मुकम्मल बहाली में 3 से 4 दिन लग सकते हैं हुकाम। भारत में कोरोना के वार जारी, एक ही रोज में 598 अफराद जान से गए, 24 घंटे के दौरान मजीद 41,000 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक, मरने वालों की तादाद 4,23,000 से बढ़ गई। दुनिया भर में कोरोना से 42,24,000 से ज्यादा हलाकतें, इंडोनेशिया में 24 घंटे के दौरान 1,759 अमवात, ब्राजील 886, रूस 794, अमरीका 419 और कोलंबिया में 306 अफराद जान से गए।
शाहीनों का इम्तिहान, गयाना में लगेगा मैदान। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज दूसरे T20 में आज रात 8 बजे आमने सामने। कौमी टीम जीत के लिए पुरअज़्म, आजम खान प्रैक्टिस के दौरान सर पर गेंद लगने से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। थाईलैंड में बंदरों की दादागिरी, दो ग्रुप सड़क पर आमने सामने, ट्रैफिक ब्लॉक, लड़ाई की वीडियो इंटरनेट पर वायरल।